गाइस कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का देहरादून की एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अक्सर आप लोग को कहीं ना कहीं की अपडेट हमेशा देता रहता हूं और इस बार की कहीं की भी मैं आप लोग को अपडेट नहीं देने जा रहा हूं। मैं अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ में भद्रा टेम्पल जा रहा था और भद्रा टेम्पल जाते वक्त कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम भद्रा टेम्पल नहीं जा पाए। सो गाइस ये सब आप वीडियो के जरिए देखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए। गाइस फिर देखें आप लोग मेरी ये पूरी वीडियो और आप लोग को इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा कि हम किस बेस पे भद्रा टेम्पल नहीं जा पाए और फिर अगली बार वहाँ पर जाने की प्लानिंग करेंगे तो फिर मैं आप लोग को पूरा व्यू वहाँ का दिखाऊँगा। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत टेम्पल है, मसूरी से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, मसूरी के पश्चिमी क्षेत्र में और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ फ्रेंडों के साथ में भद्राज मंदिर और आज आपको भद्राज टेंपल की वीडियो दिखाई देगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरा सबसे पुराना दोस्त है, क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं स्कूल में। काफ़ी घने बादल ऊपर देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ी पे है और बारिश का मौसम भी काफ़ी तेज़ हो रखा है। जो पहाड़ों में ज़्यादातर भूस्खलन आते रहते हैं देख सकते हैं इस तरीके से, और भद्राज टेंपल जा रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़े रुके पड़े हैं, ये देख सकते हैं बादल गरज रहे हैं सब। सो गाइस भद्राज जाते हुए रास्ते में आप देख सकते हैं मौसम ख़राब हो चुका है और इस वक्त प्लानिंग बन रही है नाग देवता जाने की। इस वक्त हम केमाड़ी में रुके हैं यहाँ पर और सामने मौसम देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ख़राब है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हमारे साथ में एक छोटा बेबी भी है, बड़ा क्यूट है। बारिश आ गई। लोग बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर और इस वक्त बारिश से बचने के लिए हम केमाड़ी में एक कैफ़े में रुके हैं। ये छोटा सा कैफ़े है यहाँ पर। ये भाई लोग भद्राज जाने के लिए तैयार हुए थे और बारिश की वजह से ये रुके पड़े हैं। ये देख सकते हैं बचाव के लिए हम बैठे हैं इस वक्त तीन साइड के नीचे और इधर बारिश हो रही है। क्या कर सकते हैं, बारिश बहुत मसलादार हो रही है। प्लान कैंसिल ठंडे और नाग देवता जाएंगे। ज़्यादा पानी हो गया, इसे तेजदार खाने का मन करता है ना। ज़्यादा ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं किस तरीके से दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं दूसरे एकदम। ये देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और पहाड़ भी इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त साफ दिखाई दे रहे थे बारिश से पहले। वो कायम है, है? वो कायम है, वो इसी का काम करता है ना। किसका? फाइनेंसर का काम करता है। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है और इस तरीके से पहाड़ों में भूस्खलन भी ज़्यादा बना रहता है। ये देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश है इस वक्त और इस बारिश से बचने के लिए हम इस वक्त टीन साइड के नीचे बैठे हैं किमाड़ी में, जो सबसे पहली दुकान पड़ती है किमाड़ी की। यहाँ पर एक पंडित जी है जो मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर एक माता मंदिर पड़ता है उसकी तस्वीर बना के दी थी।
ये सामने नाग देवता मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। और सड़कें इस तरीके से पानी से भर जाती है पहाड़ों की और काफ़ी डैमेज हो जाती है और लंबे समय बाद फिर इनको सही किया जाता है। ये देख सकते हैं कितना पानी पहाड़ों से ऊपर से नीचे सड़क पे है और इसी तरीके से पहाड़ों की सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती है बारिश की वजह से। ये देख सकते हैं इधर भी पहाड़ों पर काफ़ी तेज बारिश है इस वक्त। और पुरखुल गांव यहाँ से कम 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग साइन बोर्ड लगा है यहाँ पर। सो गाइस, बारिश से बचने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर रुके हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं आप लोग। और हम भी यहाँ पर टीन साइड के नीचे रुके हैं, देख सकते हैं। और ये किमाड़ी की सबसे पहली दुकान पड़ती है तो बारिश काफ़ी तेज़ है, हम सब यहीं पर रुक चुके हैं, ये छोटा बच्चा भी है हमारे साथ में। सो गाइस, अब हम यहाँ से चल चुके हैं क्योंकि बारिश तो नहीं रुक रही है और नाग देवता मंदिर भी जाना था। सुबह 1:30 बजे से ये बारिश हो रही है यहाँ पर और हम 1:30 बजे से यहाँ पर रुके थे। अब 3 से 4 बज चुके हैं तो भद्राज टेम्पल जाना कैंसिल हो चुका है इस वक्त, तो हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और 1:30 बजे से ये बारिश हो रही थी और हम चले थे भद्राज टेम्पल जाने के लिए 11-12 बजे के आसपास। और किमाड़ी में जैसे पहुँचे बारिश तेज़ शुरू हो गई थी तो अब हमने रुक ले लिया है देहरादून के लिए, क्या कर सकते हैं। और हमारे साथ में छोटा बच्चा भी था इसलिए हम आगे नहीं गए क्योंकि बच्चे को बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए हम आगे नहीं गए। तो फिर कभी दोबारा जाना होगा तो मैं फिर आप लोग को दोबारा से इसकी वीडियो दिखाऊंगा, अपडेट दिखाऊंगा यहाँ की। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं।